अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत खूबसूरत बेबी फ्रॉक डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ, जो कि रोज़ ही मैं तकरीबन 3-4 वीक से आपको बेबी फ्रॉक ही दिखा रही हूँ, ताकि आप खुश हो सकें और अपनी बेबी के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस स्टिच कर सकें। क्योंकि हमने अपने चैनल पे बड़ों के कपड़े भी दिखाए आपको, डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और ट्यूटोरियल भी, लेकिन आप की सोच और आपकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए हमें जहाँ तक अंदाज़ा हुआ कि आप बेबी फ्रॉकों को ही पसंद करते हैं और बेबी फ्रॉक ही हम जब आइडियाज़ वीडियो में लाएं या कटिंग स्टिचिंग के ट्यूटोरियल में, तो आप लोग उसी को पसंद किया करते हैं और उन्हीं पे कमर्स भी करते हैं। तो आज की आइडियाज़ वीडियो में भी आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रॉक मिलेंगे देखने को, और उनसे आप फ़ायदा उठाएँ डिज़ाइनिंग से, आइडियाज़ से, और अपनी बेबी के प्यारे प्यारे स्टाइलिश से फ्रॉक स्टिच करें। क्योंकि इनकी कटिंग स्टिचिंग बहुत इजी है, अगर आप जब स्टिच करना चाहेंगी तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी ये इस तरह से स्टिच होगा। क्योंकि चाहे आप कंट्रास्टिंग में बनाना चाहें, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, जो भी आपको पसंद हो, कंट्रास्टिंग, सेम, मैचिंग, जो भी अच्छा लगे आप ज़रूर बनाइएगा। जीन स्टफ, कॉटन स्टफ, कलर कॉम्बिनेशन आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपके पास पीसीज ऐसे हों कि आपके पास प्रिंट और प्लेन हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से खूबतर प्यारा से प्यारा फ्रॉक बना सकती हैं, बशर्ते ये कि आपके बेबी का साइज़ आपके पास परफेक्ट हो, लेंथ, विड्थ, शोल्डर, आर्म होल, नेक लाइन की बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग आए, तो वो फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइनर ड्रेस कहलाता। और आपका भी दिल खुश होगा जब कोई देख कर आपके ड्रेस की तारीफ़ करेगा कि वाकई आपने स्टिच किया, और आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। तो इस तरह के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ होते हैं आप लोगों के लिए। चाहे आप कलरफुल बॉर्डर वाला जो स्टफ़ होता है उसे कट कर लें, सिर्फ उसको स्लीव्स में यूज़ करें बॉडी में, और तमाम स्टफ़ को फ्लेयर में यूज़ कर लें। अक्सर मार्केट में बॉर्डर वाला स्टफ़ अब बहुत ज़्यादा इन है और समझ नहीं आती कि हम इसको कैसे इस्तेमाल में लाएँ। बॉर्डर वाला जो स्टफ़ होता है उसका अम्ब्रेला कट कभी भी नहीं कट सकता, अगर करना चाहें तो फ्रंट ओपन पर दोनों ही साइडों से बॉर्डर आ जाता है, जबकि बेबी फ्रॉक में इतना चौड़ा सा बॉर्डर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आप कोशिश क्या करें, बॉर्डर को पहले कट कर लें, उसे बॉडी में, स्ट्रैप में, फ्रिल में, स्लीव्स में अटैच करें, और जो शेप फ्रॉक की देना चाहें वो दे दें, उसका हाफ बॉर्डर कट कर लें या दामन में भी बाद में लगा लें। तो ये आपकी अपनी सोच, अपनी ट्रिक, अपना चॉइस होती है कि हम अपनी बेबी के फ्रॉक को किस तरह से डिज़ाइनर ड्रेस बनाना चाहें। तो चाहे वो फ्रॉक विंटर का हो, समर का हो, नेट फैब्रिक का, ऑर्गेन्जा फैब्रिक का, कॉटन फैब्रिक या किसी और फैब्रिक में, जो मार्केट में इतने ज़्यादा फैब्रिक हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, तो आप शॉप पर जब जाते हैं तो आपको